पिछले महीने से ही चीन ने इंडो चाइना बॉर्डर पर अच्छी खासी तनातनी पैदा कर रखी है, जहां एक तरफ चीन डोकलाम के पास सड़क बनाने और चुंबी घाटी पर कब्जा जमाने के लिए अड़ा हुआ है, वहीं चीन के द्वारा बार बार युद्ध की धमकी दिए जाने के बावजूद भारत की सेना डट कर खड़ी है और किसी भी कार्रवाई का माकूल जवाब दे सकती है। वहीं बिपिन रावत के इशारे पर सिक्किम सीमा पर 3000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। उधर इस सीमा विवाद पर चीन के खिलाफ भूटान, अब भूटान खुलकर भारत के साथ आ गया है। लेकिन चीन को सिर्फ भूटान या भारत से ही लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही है, बल्कि चीन की नाक में दम करने के लिए अमेरिका भी आ धमका है। जी हाँ, चीन भारत भूटान की ट्राई-जंक्शन विवाद के बीच अमेरिका ने चीन को चुनौती दे डाली है और एक अमेरिकी युद्धपोत दक्षिण चीन के सागर में पहुंचा दिया है, जहां पर चीन अपना दावा कर रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि समुद्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता के प्रदर्शन के लिए ये एक अभियान का हिस्सा है। अमेरिका के अनुसार अमेरिकी विध्वंसक स्थितिम युद्धपोत पार्सेल आइलैंड्स द्वीप समूह में छोटी सी द्वीप ट्राइटन से 22 किलोमीटर के दायरे पर होकर गुजरा है। अब अमेरिका के इस अभियान से चीन भड़क सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका दूसरा कदम है। इससे पहले 25 मई को अमेरिका का गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत मिस्चीफ रीफ से 22 किलोमीटर से भी कम के दायरे में पहुंच गया था। तब भी अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और अब अमेरिका द्वारा फिर से ऐसा किया जाना चीन अमेरिका के एक और विवाद को जन्म दे सकता है। आपको बता दें कि चीन दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, साथ ही ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इस पर अपना अधिकार जताते हैं। दोस्तों, हाल ही में चीन और सिक्किम की सीमा के बारे में ये खबर आ रही है कि अब सिक्किम की सीमा को लेकर भारत के साथ साथ चीन की उलझन के बाद अमेरिका ने चीन को एक बड़ा झटका दिया है। तो दोस्तों, अमेरिका ने कौन सा बड़ा झटका दिया चीन को, ये लास्ट तक देखें इस वीडियो को और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रविवार को एक अमेरिकी युद्धपोत दक्षिणी चीन सागर में दाखिल हुआ, जिसे चीन अपना समुद्री क्षेत्र बता रहा है। यूएस से इस माइल की यात्रा करते हुए पैरासील द्वीप में दाखिल हुआ, जिसे ताइवान और वियतनाम अपना क्षेत्र बताते हैं। अमेरिकी सेना की ये घुसपैठ चीन के उकसावे की कार्यवाही हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरी बार है जब अमेरिकी युद्धपोत चीनी सागर में दाखिल हुआ है। जवाबी कार्यवाही करते हुए अब चीन ने भी अपने कई युद्धपोत इस क्षेत्र में रवाना कर दिए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को चेतावनी देने के लिए अपने सैन्य पोत और लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया है। चीन इस पूरे क्षेत्र को अपना इलाका मानता है जहां अमेरिकी युद्धपोत घुसा आ रहा है। हालांकि ताइवान, वियतनाम और मलेशिया इस क्षेत्र पर चीन के अधिकार को खारिज के मुताबिक कोई देश समुद्री क्षेत्र सिर्फ 12 माइल तक ही अपना अधिकार बता सकता है। अमेरिका उस समय चीनी सीमा में दाखिल हुआ जब चीन भारत के साथ सीमा विवादों में उलझा हुआ है। गौरतलब है कि सन 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने लंबे समय तक दोनों देशों के बीच तनावी गतिरोध बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये जाहिर कर चुके हैं कि हर स्थिति में वे भारत के साथ हैं। शायद ये उसी नीति का हिस्सा है। दोस्तों, वैसे तो पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया मोदी मोदी करने वाली, क्योंकि मोदी की वजह से कई दिग्गज लीडर अब मोदी के साथ दे रहे हैं और वो चीन से लड़ते जा रहे हैं और चीन से दूरियां बनाते जा रहे हैं। दोस्तों, आप मोदी के बारे में और चीन की हरकतों के बारे में और दूसरे लीडर के मोदी की तरफ अट्रैक्ट होने के बारे में क्या विचार रखते हैं, अपनी राय कमेंट